बहुत सारे लोग जो वहाँ जितने भी जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे या उनको वहाँ पे शिक्षा का प्रबंध किया, और कालांतर में वही स्कूल 1948 में शिक्षा विभाग ने ले लिया, और 1963 में मेरे पिताजी ने उस जमीन का और उस भवन का जो सुपुर्दगी है वो शिक्षा विभाग को कर दी। तो इस तरह से, और मेरे परदादा जी उनका समाज के प्रति जो दायित्व है वो वहां से शुरू होता है। मेरे परदादा जी श्री अग्रवाल जी, उन्होंने बेगार प्रथा उस वक्त बहुत जी बहुत प्रचलित थी, और राजाओं के जमाने में राजा लोग जब कोई सिविल वर्क्स होते थे या कोई भी काम है उसके लिए बेगार बिना पैसे के वो काम करवाते थे जी। तो मेरे दादाजी ने जो आज कोई 12 पंचायतें हैं उस एरिया में, तो उन्होंने राजा से बात करके, प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने राजा से बात करके और उसको 10,000 रुपए देकर ये बेगार प्रथा के लिए राजा से परमिशन ली कि मेरे इस इलाके में कोई भी बेगार के लिए आवाज ना लगाई जाएगी और मेरे इस एरिया से कोई भी व्यक्ति बेगार नहीं करेगा जी। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक जो योगदान था उनका, बहुत बड़ा योगदान अपने आप में है सिद्धार्थ जी, क्योंकि आपके लिए तो ये विरासत में चीजें मिली हैं, और जिसको जो चीजें विरासत में मिलती हैं लेकिन उसको कायम रखना और एक बुलंदी तक लेकर जाना, जो कि आपने ये बातें आगे लेकर आए, तो आज के संदर्भ में आप किस तरह का अनुभव रखते हैं कि जो ये बातें समाज सेवा की जो भावना है जो कि आपके परिवार से लेकर आपको मिली, तो आप आज के परिदृश्य में इसको कैसे पुरानी पीढ़ी से आगे लेकर आए? बचपन में पिताजी के जीवन का मेरे सोच पर बड़ा गहरा प्रभाव है। वो मुझे अपनी जो लेगेसी है उसके बारे में वो हमेशा अवगत कराते, मुझे बताते हमारे दादाजी ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया जी, और किस तरह से हम समाज के प्रति अपना दायित्व समझे। बिल्कुल। वो स्वयं उनका जीवन जो है वो आखिरी दिन तक, अपने आखिरी दिन तक वो लोगों की सेवा में उनका जीवन व्यतीत हुआ। वो लाहौर गदर के समय से लेकर जी उन्होंने वहां सेवा की, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के वक्त के बाद से लेकर अपने अंतिम दिन तक उन्होंने लोगों के लिए अपना जीवन जिया। सादा जीवन और लोगों के बारे में सोचना जी, बहुत सारे भूमिहीनों को जमीन दिलवाई उन्होंने, बहुत सारे सामाजिक विषयों को अपना जीवन शैली बना जी। तो उसी से मुझे प्रेरणा हुई। इसके साथ में जो शिक्षा है या और साहित्यिक रूप में और शिक्षा के रूप में अपने अपना उन्नयन जी जो करना है उसकी प्रेरणा उसी से, उन्हीं के जीवन से मिली, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे परिवार में कुल में पैदा हुआ जी। इसमें समाज सेवा की भावना सिद्धार्थ जी आगे बढ़ी और आप आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कि आप इस बात को लेकर आए, क्योंकि आपने युवा से जब आप कॉलेज या स्कूल में थे तो बहुत सी भावनाएं हमारे मन में आती है और कुछ ज्वलंत विषय भी होते हैं, लेकिन सेवा का भाव आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, जैसे कि मानव सेवा या पशु सेवा, आपने किस तरह से इस विषय को संचालित किया? हाँ, सेवा करने के लिए संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। आदमी का अंदर, आदमी के अंदर संवेदनशीलता हो, वो संवेदनहीन ना हो जी, जो हम आज की पीढ़ी में कहीं थोड़ा गुम होते हुए नजर आती है हमें, तो ये अगर भावना रखे जी, जितना हमें इस प्रकृति ने दिया है, ईश्वर से हमें मिला है, उसके प्रति हम कुछ कृतज्ञता व्यक्त करें जी, तो वो हम सेवा के माध्यम से हम उसे कर सकते हैं। ये कृतज्ञता ईश्वर, मैं समझता हूं ईश्वर जो है मूर्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता है, हमारे सामने प्रस्तुत होता है मौकों के रूप में जी। कोई दुखी है, आपको मौका है उसकी सेवा करने का, कोई मानसिक रूप से उद्वेलित है जी, कोई परेशान है उसके दुख बांटने का, कोई बुजुर्ग है वो उपेक्षित है उससे कोई बात नहीं करता, उसके पास आप बात करके जी उसका दुख साझा करके उसके सामने चंद मिनट गुजार कर आप सेवा कर सकते हैं।
मैं कुछ अपने जीवन में मेरे कुछ एक चीजें आई, भावुक किस्म का व्यक्ति हूँ, तो मैं एक दो वाक्य आपको साझा करना चाहता हूँ। जी, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर कई बार हमारी सेवा बातों में रह जाती है, क्या हम उसको प्रैक्टिकल रूप में भी उसको करने की कोशिश करते हैं। तो शायद आपके जो ये विचार और आपकी जो एक समझ है और आपका जो प्रैक्टिकल है वो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा हो सकती है। हमें मौके प्रस्तुत करता है, वक्त हमें मौके प्रस्तुत करता है। इसी सिलसिले में मैं एक दो चीजें आपसे शेयर करता हूँ। पिछले तकरीबन 2 साल पहले एक कबूतर मेरे बिल्डिंग के बाहर गिरा हुआ मुझे मिला। तकरीबन 15 सेकंड के अरसे में एक कुत्ता वहां से गुजरा, मैंने उससे पहले उस कबूतर को उठा लाया और अपने घर ले आया। उसकी मैंने मरहम पट्टी की, उसकी टांग में प्रॉब्लम थी जी। मैं उसको हॉस्पिटल ले गया और वहाँ डॉक्टरों ने उसको कुछ इंजेक्शन या दवाइयाँ देकर मुझे उसकी केयर करने के कुछ तरीके बताए और मैं उसको लेके आया और वो कबूतर मेरे 8 महीने तक मेरे पास रहा। उसके बाद वो उड़ गया। और दूसरी एक बात ये है कि मैं अपने घर के बाहर ही एक दिन टहल रहा था तो मुझे बड़ी चीखें सुनाई दी, तो देखा कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक छोटे से पपी को, जो कुत्ता था, उसको कुचल दिया। मैं गया, मैंने उठाया उसे, लेकिन गाड़ी वाला इतने में भाग गया तो मैं उसको अस्पताल ले गया और डॉक्टरों ने ये कहा कि इसकी 3 टांगों में फ्रैक्चर है और एक जगह पे पेल्विक बोन के पास से फ्रैक्चर है। अच्छा। और उसको ठीक करने में शायद ऑपरेशन करना पड़े, शायद उसका खर्चा 25,000 के करीब हो। लेकिन मेरी, मैंने तुरंत तैयार हो गया कि बेशक जितना भी खर्चा हो उसको आप बचाइए। और उन्होंने मुझे थोड़ा ये कहा कि ये जो एनिमल्स हैं ये प्यार बहुत चाहते हैं, आप इसको प्यार से इसके ऊपर हाथ फेरिएगा, इसको दवाई खिलाइएगा। ऑपरेशन के लिए थोड़ा जान की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा कमजोरी है जी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे 8-10 दिन वेट करने को कहा, लेकिन जब कोई 10-11-12 दिन बाद में उसको फिर से डॉग को ले गया तो वो डॉग, उसकी हड्डियां तकरीबन सारी की सारी जुड़ चुकी थी। और हम ये समझते हैं कि ये जो है एक मिरेकल था। बिल्कुल, मेरी भावनाएं थी, मेरी प्रेयर्स थी ईश्वर से और उस डॉग को मैं अडॉप्ट कर लिया और मैं उसको गांव ले गया। और इस तरह से जो है कुछ पशुओं के प्रति मेरी संवेदना है जी। बहुत बड़ी मुहिम है अपने आप में, और जब आपकी सकारात्मक सोच एक कह सकते हैं कि लक्ष्य के रूप में बाहर आती है तो बहुत से लोगों से जुड़ाव हो जाता है और उसमें पशु तो एक खास हमदर्दी रखते हैं। और इस तरह की भावना वाकई एक बहुत बड़े तारीफ के पात्र हैं आप। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हमारे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। एक समाज सेवा की जो भावना आती है और जब हम उसको समाज में उतारते हैं तो बहुत सी अड़चने आती हैं, तो शायद आपने भी कुछ इस तरह की अड़चने मतलब फेस की होंगी। हाँ, उसमें कई बार आपको बहुत सारे लोग आपकी इस बात का प्रतिकार करेंगे, प्रतिकार करते हैं कि आप जो है कुत्तों को रोटी देते हैं। मैं तकरीबन 5-6 कुत्तों को हर रोज खाना खिलाता हूँ। उसमें कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं, ये गलत बात है। मैं ये समझता हूँ कि जिस कुत्ते को आप 1 बिस्किट खिला देंगे, अगर आप उसको 3 साल के बाद भी मिलेंगे तो भी आपके वो उस 1 बिस्किट का ऋणी, जो ऋणी है वो कृतज्ञता वो व्यक्त करेगा जी। तो हम वो पशु जो है इंसानों से ज्यादा हमारी संवेदनाएं समझते हैं, हमारी भावनाएं समझते हैं। और इस तरह से मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरे पास एक बिल्ली आती है, वो अक्सर कबूतरों को पकड़ने के लिए प्रेरित होती है, स्वाभाविकता है उसकी। लेकिन मैंने डांट के 2-3 बार उसको कहा कि ये कबूतर तुमने नहीं पकड़ने क्योंकि मैं तुम्हें रोटी देता हूँ। तो वो जब मैं बाहर आता हूँ और उसको ये कहता हूँ तो वो ये समझती है कि कबूतर नहीं पकड़ने और वो वापस आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम दिल से कुछ कम्युनिकेट करें तो उसका असर होता है। ये पशुओं तक बात ही नहीं है, ये सभी के साथ बात है कि जैसा हम अपने आप से रिफ्लेक्ट करेंगे हमें वापस वैसा मिलेगा जी। मैं एक तो और विचार आपसे साझा करना चाहूंगा कि जैसे हम इस प्रकृति का एक हिस्सा है, पशु है, वृक्ष है जी। एक वृक्ष मेरे घर के पास, एक देवदार का पेड़ है छोटा सा था, वहां एक दीवार लगाई जा रही थी।
जी। तो मुझे लगा कि ये शायद इस दीवार में ये पेड़ बंद हो जाएगा, तो मैं उस पेड़ के पास खड़ा होकर उसको एक शाम को कहता हूँ मैं तुम्हें बचाऊंगा, इस दीवार में तुम्हें नहीं चिनवाऊंगा। और वो पेड़ आज भी वहां है, दीवार लोगों ने छोड़ दी। मैंने उनको कहा कि मैंने इस पेड़ का फोटो खींच लिया है, आपको ये पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और वो पेड़ जब मैं देखता हूँ, 4 साल हो गए हैं, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। हम जो भावनाएं व्यक्त करते हैं वो पशु समझते हैं, वो वृक्ष समझते हैं, वो इंसान तो समझते ही। और इस तरह से एक और वाकया मैं बता रहा हूँ आपको कि कई बार मैंने गरीब लोगों के लिए धन भी एकत्र किया है, उनकी बीमारी के लिए जी। उनकी कोई परेशानी उन्हें है उसके लिए मैंने कोशिश की है कि मैं किसी काम आ सकूं। इस तरह से भावना की बात है, सारी भावना की बात है। और जब आपने उस भावना को पब्लिकली कर दिया तो कोई ना कोई सज्जन आपको मिल ही जाता है और उस कार्य को एक रूप मिल जाता है। हाँ, मुझे लेकिन प्रारूप की जरूरत है कि आपने शुरू में किस तरह की आपकी सोच है जी, फिर वो बनते बनते एक कहते हैं कि मुहिम की तरह काम करती है जी। और बहुत बड़ी बात है, और जैसे कि आपके विचारों से लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है, बहुत अच्छी सृजनशीलता आपकी है। लेकिन आप जैसे आपसे बातचीत हो रही थी कि बहुत से कामों से जुड़ना पड़ता है, आप यहाँ शिमला में जब रहते हैं तो शायद यहाँ आप अपने परिवार के साथ नहीं रहते, शायद आपके साथ एक बेटा। हाँ, मेरे साथ मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। मेरी माता जी 80 से ऊपर है उनकी उम्र, तकरीबन 82 साल उनकी उम्र है, और सारा जीवन उनका गांव में बीता। मैंने बड़ी मुश्किल से तकरीबन 3 महीने उनको यहाँ रखा, लेकिन वो हर रोज मुझे ये कहती कि मुझे गांव जाना है। शायद 80 वर्ष की उम्र में मैं हूँ और मैं अपनी जहाँ मैंने सारी जिंदगी बिताई हो और मैं वहां से उठा के मुझे कोई ऐसा कहे कि तुम यहाँ नहीं तुम यहाँ रहोगे, तो शायद मैं भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करूं। तो मैं उनकी उस भावना की कदर करके उनको गांव में मैंने अपने से कोशिश की है कि सब सुविधा संपन्न एक मकान बनाकर उनको वहां पे वो रहती हैं। मेरी पत्नी अक्सर वहां रहती है, बीच बीच में यहां भी आती हैं, तो मैं उनकी जो सेवा है तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम माँ बाप की सही में सेवा करते हैं जी, तो शायद उससे बड़ी सेवा। मुझे परेशानी अकेले तो आती है और शायद हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन मुझे एक तसल्ली भी है कि कम से कम मैं 80 वर्षीय अपनी माँ को उनके इच्छा के हिसाब से वहां रख रहा हूँ जहाँ वो रहना चाहते हैं या जहाँ सहज महसूस करते हैं। ये सिद्धार्थ जी अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ बनती है और एक बहुत बड़ा आपका इतना अच्छा स्वभाव है। लेकिन यहाँ जब आप इतने पेट्स को आप रखते हैं, अभी कबूतर आपने कहा, आपने एक बिल्ली जो वहाँ आती है और शायद ना जाने और भी, आप कई बार जब आपको लगता हो क्योंकि ऐसे लोगों को तो चैलेंजेस मिलते ही रहते हैं और उनको खाना भी बनाना है, लेकिन ये इस तरह से कैसे आप ताल में? मुझे आनंद आता है ऐसा करने में जी। मैं अगर यदि मेरा कुत्ता शायद घर के बाहर ना हो तो उस दिन शाम को मैं कोई वो फास्ट फूड खा लूं या ब्रेड ही खा लूं जी। तो यदि कुत्ता मेरा घर के बाहर है तो मुझे संतुष्टि होती है कि मैं खाना उसे भी बनाऊंगा और अपने आप को भी बनाऊंगा। एक एक जिम्मेदारी का स्वभाव, जिम्मेदारी का भाव अंदर से पैदा होता है और इसी तरह से ये मुझे संतुष्टि मिलती है ये काम करके मुझे संतुष्टि मिलती है और इस तरह से अच्छा लगता है। जहाँ तक सिद्धार्थ जी हमें जानकारी है कि आप अभिनय से भी जुड़े हैं जी। और बहुत अच्छी काव्य रचना भी आपकी है। हम अपने दर्शकों को तमाम कोई चीजें जो आपने अपने कवि समय में लिखी हैं और समाज सेवा से ही आपने कलम को उठाया है और अपने कलम के माध्यम से सब लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की है, तो कोई कॉलेज टाइम की कोई ऐसी वाकयात और जिस पे आपने कलम